तो भैया जल्दी जल्दी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो हवा में उड़ने के लिए तैयार है फट। तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है मेरा एक सपना, यानी कि बचपन का सपना था जो पूरा हुआ था, और लगभग लगभग 3 महीने हो चुके हैं मुझे इस गाड़ी को लिए। और अब देर न करते हुए फटाफट आपको दिखाते हैं कि ये बुलेट है, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 जो कि हमने ली थी। और आइए फटाफट पहले तो आपको एक इसका सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों मास्क ज़रूर लगाए रहें, कहीं भी रहें, बहुत ही ज़रूरी है। और सैनिटाइज करते रहें, अपना हाथ वगैरह भी धोते रहें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी है और ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मुझे ख़ास कर ये कलर गाड़ी का बहुत पसंद था, और कलर की वजह से मैंने ये गाड़ी ली। और जैसे ही मैंने गाड़ी का वीडियो बनाया, यानी कि अब आपको मैं पूरी बात बताता हूँ कि इस गाड़ी का वीडियो मैं बनाने के लिए गया था, और कहाँ पर, करामत मार्केट लखनऊ में, जहाँ पे आपका जो है आसिफ ऑटो सेल है, वहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसकी वीडियो में मैंने शूट की थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था, और वहाँ पे बहुत सारी रॉयल इनफील्ड्स रहती हैं। तो ये गाड़ी खासकर मुझे पसंद आ गई थी, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि मेरी बचपन की चाहत थी कि मैं एक बार रॉयल इनफील्ड ज़रूर रखूँ। तो ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से पूरा हुआ, और काफ़ी मेहनत की है मैंने। 2016 में चैनल बनाया था, और जब से मेहनत करते 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 अब जाकर के इस मुकाम पर पहुँचे। तो इस गाड़ी को किस तरीके से मैंने लिया आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं अलग से पैसा जो है जोड़ रहा था, और 60,000 रुपये जो है, 60 या 65,000 रुपये डाउन पेमेंट मैंने पूरा कंप्लीट किया। और डाउन पेमेंट देने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जब मैं गया, ये हुआ कि हाँ जो है यूज़ड बाइक भी जो है फाइनेंस हो रही है, मैंने कहा क्यों नहीं, खुद कराना चाहिए, हम भी कराते हैं, और इससे पता भी चल जाएगा कि हाँ फाइनेंस कराने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। तो जो कि आप सब बहुत सारे भाई लोग जानते होंगे कि मैं रहने वाला जो हूँ प्रॉपर, मतलब मेरा पुश्तैनी घर जो है वो बाराबंकी में है, तो मेरी आईडी वगैरह सब कुछ बाराबंकी का था, लेकिन फाइनेंस हो गई आराम से गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मुझे देने पड़े करीब 60 से 65 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट, और वो देने के बाद जो है गाड़ी का जो है 2 साल का जो है ईएमआई हो गया, जो कि हर महीने हमको देना है। ईएमआई वही लगभग करीब 4200 के आसपास लगभग आती है, जो कि बैंक से ही कट जाती है। तो इस तरीके से ये गाड़ी जो है मुझे मिली, और कितने की मैंने ली थी, ये 1,70,000 रुपये की हमने ली थी, 2019 लास्ट है ये, यानी दिसंबर का। और ये गाड़ी केवल चली हुई थी 4,000 किलोमीटर। गाड़ी अगर आप देखें अच्छे से, तो गाड़ी बिल्कुल वैसे ही रखी हुई है जैसे कि एक न्यू शोरूम से गाड़ी आती है। जैसे कि अभी हमने आपको सिनेमैटिक दिखाया, तो आपको लगा होगा कि जिसने भी गाड़ी को रखा है, जो भी लेकर के आया था, उसने बिल्कुल नहीं चलाई थी। यानी 4,000 किलोमीटर क्या होता है, 4,000 किलोमीटर में गाड़ी जो है रवा नहीं होती है। रवा मतलब ये कि इंजन रवा नहीं होता है, इसे बोलते हैं कि इंजन जो है कम से कम जब तक 5 से 6 हज़ार नहीं चलता, यानी कि 4,000 मतलब कोई ज़्यादा नहीं चली थी। तो बचपन का सपना था, और बचपन में जब भी कोई बुलेट लेकर के निकलता था और खड़ी करके चला जाता था, तो मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे जो मेरे दोस्त लोग थे उस समय, उनसे मैं कहता था कि जो है उस समय करीब 14-15 साल की उम्र होगी मेरी, और बड़ा ही शौक था बुलेट का, और उनको मैं बोलता था कि मैं बैठ रहा हूँ, तुम पीछे से धक्का दो। वो धक्का देते रहते थे, हम ऐसे ही बुलेट चलाते रहते थे, क्योंकि वैसे तो चाबी मिलने वाली नहीं थी। और बाइक का इतना शौक था कि कोई भी अगर मेहमान घर में आता था और उसके पास बाइक होती थी, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि वो हमारे लिए बहुत कुछ है, यानी वो कुछ भी करा सकता हमसे। तो उससे जा कर के मतलब उसके पास लगे रहते थे कि भाई किसी तरह चाबी मिल जाए और गाड़ी चलाने को मिल जाए। तो ये होता था बचपन में, इतनी बाइक की चाहत थी, और बचपन से ही बाइक और कार ये सब में बड़ा दिल लगता था। और हमारे यहाँ मतलब जो भी लोग, शुरू से ही मैं आपको बताऊं कि लोग बोलते थे, किसी को कोई गाड़ी लेना होता था, बाइक या कार, तो भाई भाई से बताओ,
भाई दिला देंगे। तो ये शुरू से था। तो गाड़ी जो है आराम से सेकेंड हैंड, यानी कि आप समझ लीजिए 2019 मॉडल, मेरे हिसाब से तो ये सेकेंड हैंड नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे करीबन 50,000 रुपये बच गए थे। लगभग 170 की गाड़ी हमको पड़ी थी, 3 महीने पहले हमने ली थी। और गाड़ी जब ये मैं नई लेने गया था शोरूम से, तो शोरूम से गाड़ी जो है ये BS4 है, और जो BS5 आई है वो जो है लगभग 2,26,000 रुपये की थी। तो 2,26,000 रुपये की गाड़ी पड़ रही थी, और लगभग 170 की पड़ गई थी हमको। तो हमने कहा फाइनेंस मुझे वहाँ से भी कराना है, यहाँ से भी कराना है, गाड़ी बिल्कुल चली नहीं है, तो इसमें जो बच रहा है वो बचाओ। तो भाई जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैंने किया वो सही है या नहीं। बाकी गाड़ी कैसी लगी वो भी आप सब बताइएगा, और बस यही, इसी तरीके से आप सबका सपोर्ट बना रहे। कोशिश मतलब मेरी यही रहती है कि आप सबको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, और अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके दिया जाए। तो अभी इस चैनल पर जो है जो भी हैं वो मेरे लाइफस्टाइल ब्लॉग आने वाले हैं, जहाँ भी मैं जाऊँगा, और जो भी जैसा भी जैसे भी रहता है, जो भी मैनेज करता हूँ जैसे भी, वो सारी चीज़ें मतलब जो भी बना करके डाल सकता हूँ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, वो करता रहूँगा। और पूरी कोशिश यही कि आप सबको एंटरटेन करूँ। तो थोड़ा सा एक राइड बनती है चला करके। तो गाड़ी मेरी देखिए, दिल से बताना कैसी लग रही है। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबका सपोर्ट बहुत मिला तभी ये सब हो पाया। और ये देखिए मस्त लग रही ना। तो आइए फटाफट चलते हैं, एक राइड बनती है, फटाफट दिखाते हैं आपको। तो भैया जल्दी जल्दी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो हवा में उड़ने के लिए तैयार है फटाफट। तो देखिए सबसे मेन बात ये है कि इस गाड़ी में लेने के बाद सबसे पहले तो ये काम हमने कराया, स्विच देख रहे ना, लाइट हमेशा इसकी जला करती थी, तो ये स्विच जो है अलग से लगाया जाता है, करीब 120 का मैंने लगवाया था, तो यहाँ से लाइट ऑन ऑफ होती है अलग से, क्योंकि इसमें कोई बटन दिया नहीं गया है। और एक कुछ चीज़ें हैं जो इस बुलेट में काफ़ी अच्छी हैं जो अब आ रही हैं, जो कि आइए चलते चलते बात करते हैं फटाफट। तो ये हो गई हमारी स्टार्ट गाड़ी, और भैया हम चल पड़े हैं। तो हुआ क्या था कि गाड़ी जब मैं ले के आया था, तो जिसने भी ली थी उसमें कोई चेंजेस नहीं कराए थे, और इसमें जो साइलेंसर लगा हुआ था वो भैया ऐसा था कि लग रहा था मैं स्प्लेंडर चला रहा हूँ। और यार इतना पैसा लगा करके, और बुलेट अगर आदमी चला रहा है तो भाई मज़ा ना आए तो बेकार है। तो मज़ा आ नहीं रहा था, क्योंकि वो साइलेंसर ऐसा था जैसे लग रहा था कि खिचड़ी बन रही है, गाड़ी नहीं चल रही है खिचड़ी बन रही है ऐसा लग रहा था। तो मज़ा नहीं आया भाई सच में। तो फटाफट गए लखनऊ लालबाग, और लालबाग में फटाफट इसका साइलेंसर जो है वो मैंने चेंज कराया। वहाँ जब गए तो कम से कम 5-6 साइलेंसर निकाल करके रखा भैया उन्होंने, और कहा भैया ये साइलेंसर है। हमने कहा भाई कितने साइलेंसर भाई, मतलब कोई एक अच्छा दे दो। बोले नहीं भाई ये सब लगा करके आप चेक करिए। हमने कहा कौन कौन से साइलेंसर हैं, सबका अलग अलग नाम था भाई, ये फलाना है, ये धमाका है, ये डॉल्फिन है, ये है वो है, और सबकी अलग अलग आवाज़ें हैं। तो हमने कहा भाई बहुत बढ़िया दे दो। तो मैंने कहा लगाओ चेक करते हैं। तो भैया चेक किया लगाना, खटाखट 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 खटाखट। तो जब चेक किया तो सबसे अच्छा साइलेंसर मुझे वो लगा जो बिल्कुल सेम मिल रहा था उसी तरीके से जो कि रियल का लगा हुआ था, यानी कि गाड़ी जब मैंने ख़रीदी और जो कंपनी से लग करके आता है उसी तरीके का, उसी डिज़ाइन का जो लगा हुआ था वो जब लगाया उन्होंने, तो वो मुझे अच्छा लगा कि यार क्या बात है यार, ये मस्त है एकदम। और इसकी आवाज़ भी ना, साउंड जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। अभी मैं आपको साउंड सुनाऊँगा थोड़ा सा इसका। तो ये देखो ये जगह भी काफ़ी ज़बरदस्त है जहाँ से जा रहे हैं, ये देखिए नीचे से ये बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेलवे का, ओहो हॉर्न बहुत तेज़ बजा रहा है, ये लग रहा है नौसिखिया आदमी है। वैसे तो मोड़ पे हॉर्न बजाना चाहिए, लेकिन भाई एक दो बार बजा दो, क्या बजाते ही चले जाओगे यार, मतलब आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये देखो अभी बाहर निकल पड़े, और तो हम कहाँ थे, हाँ वो साइलेंसर की बात कर रहे थे। अभी आपको साउंड जो है साइलेंसर का हम सुनाते हैं फटाफट,
कि इसका साउंड जो है वो कैसा आपको लगता है। मुझे लग रहा है कि साउंड आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कई साइलेंसर मतलब उसने निकाले लगाए, और उसके बाद जो है जो मुझे लास्ट में पसंद आया वो यही आया। और मुझे लग रहा है कि आप सबको भी यही आएगा, क्योंकि देखिए जो रियल चीज़ होती है ना वो रियल होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है कि लोगों को दिक्कत हो। अभी गाड़ी को मैं थोड़ा सा खींचूँ, अरे मन तो कर रहा है यार, बुलेट चलाओ खींचो ना, तो फिर मज़ा नहीं आता भाई सच में। तो थोड़ा सा वैसे तो बुलेट चलाने में मतलब ये कि हाँ धीरे धीरे चलाओ तो मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा सा खींचो ना ना तब भी मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा खींचते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अभी भैया हमने खींच दिया है, और वाकई में गाड़ी मतलब 100 में ये बहुत तेज़ी से चल जाती है। 80 में ज़्यादा पहुँच गया, 5 गाड़ी में सबसे मेन खास बात ये भाई बहुत ज़्यादा नहीं भगाने का भाई, वरना लोग बोलेंगे लग रहा नहीं नहीं बुलेट लेकर के आया और आज ही मार डालेगा उसको। तो भाई अपनी लिमिट में गाड़ी चलाना चाहिए, कभी भी आप जितना कंट्रोल कर पाएं उस हिसाब से गाड़ी चलें। अभी खाली रोड थी इसलिए मैंने थोड़ा सा खींचा, और मैंने कहा आपको दिखाना चाहिए थोड़ा सा खींच के, इसलिए तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और आपको इसका साउंड थोड़ा सा सुनाते हैं। इस गाड़ी में और पुरानी वाली बुलेट में मुझे जो है, अगर आप पूछें कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, तो पहले तो हम न्यूट्रल कर लेते हैं इसको। तो देखा जाए तो भाई पुरानी वाली बुलेट की बात ही अलग है, लेकिन मतलब जो पुरानी पसंद करने वाले हैं वो पुरानी ही पसंद करेंगे। मैंने तो देखा था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1960 की बुलेट अभी तक रखे हुए हैं भाई, तो क्या बताऊँ, जिस बुलेट के चाहने वाले एक से एक हैं। तो भैया गाड़ी ये देखिए कुछ इस तरीके से मस्त लग रही है, और साउंड सुनाने के लिए मैंने बोला है, तो यार इसका गियर जो है जल्दी वो छूटता नहीं है। तो ये देखिए अभी भी गाड़ी गियर में है, गियर में काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसको बैठ करके थोड़ा सा हम इसके गियर पहले छुटाते हैं। तो अभी ये न्यूट्रल हो नहीं हुई, सारे आगे के मार करके एक ऊपर का मारेंगे धीरे से बिल्कुल, तब जाकर के न्यूट्रल होगी, और अगर धीरे से नहीं तेज मार दिया तो मतलब नहीं हुई। तो अब भी हम आपको साउंड सुनाते हैं इसका, ये देखिए। तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा साउंड है कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और मज़ा भी आता रहे। तो ऐसे ही होना चाहिए कि किसी को परेशानी भी ना हो और मज़ा भी आता रहे। तो भैया बहुत लंबा वीडियो करने से अच्छा कि फटाफट यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और राइड ख़त्म करते हैं, फिर और भी राइड करेंगे, मस्ती करेंगे। वीडियो बस आप देखते रहिएगा, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और एक हाँ, जाते जाते ये चीज़ ज़रूर हम आपको बताएंगे कि जो है बुलेट में ये हमें अच्छा लगा इसमें, कि जैसे कि पुरानी वाली बुलेट है तो उसमें जो ब्रेक होती है वो इधर होती है, गियर इधर होते हैं, इसमें जो है नॉर्मल सभी गाड़ियों की तरह दे दिया गया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो मुझे लगी। बाकी आप अपना कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए इजाज़त दो भाई को, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।